अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील स्टूडेंट्स फ्रॉम डीएमएट 212 चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स। इसकी रेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो। हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो सिंपल डेरिवेटिव निकालना है हमने इसका, क्योंकि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है, ऑन बोथ साइड पर हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो d डिवाइड बाय dx इनटू ये आ जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू। इसी तरह राइट साइड पर हमने जीरो का डेरिवेटिव जो कि आपको पता जीरो ही रहना है, ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेपरेटली डेरिवेटिव लगा देते हैं ए एक्स स्क्वायर पे अलग से प्लस जो है हमारा यहाँ पर ये बी भी है, ठीक है। तो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू ये हमारा है यहाँ पर बी वाई स्क्वायर, और प्लस हमारे पास यहाँ पर फिर डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू टू एच एक्स वाई और इक्वल टू, ये तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि कॉन्स्टेंट को हम डेरिवेटिव के शुरू में ले जाएंगे और हमने अब नेक्स्ट में पावर रूल लगाना है इस पर। फिर देख लें यहाँ पर बी भी कॉन्स्टेंट है, सो डी डिवाइड बाई डी डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर भी हमने इसका भी पावर रूल लगाना है, प्लस टू एच जो है ये दोनों कांस्टेंट हैं, और हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लगाना है एक्स वाई पे, जिस पे आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगेगा इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं इसके अंदर, तो ए आ गया, देखिए इस पे पावर रूल है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर जो है वो आ गया, और प्लस बी आ गया यहाँ पर आपके पास, ये भी पावर शुरू में पावर में से एक कम, और हमने डेरिवेटिव लेना है वाई का, और इसी का इसी तरह यहाँ पर देखें टू एच कॉन्स्टेंट आपका और इसमें प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव आपने यहाँ पर लेना है सेकंड वैल्यू का प्लस सेकंड एज इट इज, और यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट वेरिएबल एक्स का इक्वल टू हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे टू ए है, सात एक्स है, और इसका डेरिवेटिव वन हो गया, प्लस टू आ गया बी वाई, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस आपका आ जाएगा टू एच, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक एक्स है और ये हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और प्लस आपका y और ये हो जाएगा 1, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो 2ax plus 2by dy divide by dx, ठीक है, और प्लस 2hx dy divide by dx, ठीक है, प्लस 2hy is equal to, अब जो dy over dx आपने निकालना है तो वैल्यू इधर ही रहने दें, 2by, ठीक है, ये y है, मैं ज़रा क्लियर कर दूं जी ना लग जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 2by, अच्छा 2by इधर ही है, साथ ही इसके 2hx भी है, ठीक है, तो इन दोनों के साथ जो है dy over dx कॉमन आता है, डायरेक्ट हो गया एक, और ये आपका जो है ना दोनों वैल्यूज में ये उधर जाके माइनस 2x हो गया और माइनस ही 2hy हो गया, जो dy over dx के बगैर वाली वैल्यू थी वो उधर जाके नेगेटिव हो गई दोनों, उसमें से हम माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप 2 को कॉमन ले सकते हैं साथ आपके पास, लेकिन इसको एक काम ले लेते हैं चले, और इधर आ जाएगा हमारा बी वाई और प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर एच एक्स और डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, फिर स्टेप बनेगा यहाँ पर, तो माइनस में 2 कॉमन लिया तो ए एक्स और प्लस एच वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली यहाँ पे क्या, और ये डिवाइड की वैल्यूज भी आगे पीछे हो सकती हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये हमारा माइनस में 2 ए एक्स प्लस एच वाई, और वो सारी वैल्यू इधर इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी जो पॉजिटिव में 2 है, ठीक है ना, तो वो आ जाएगी हमारी 2 इंटू बी वाई प्लस एच एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे सिर्फ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या आता है देख लेते हैं, डिवाइड डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी तो हमारे पास है बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ है ए एक्स प्लस एच वाई, और डिवाइड बाई नीचे हमारे पास है बी वाई प्लस एच एक्स, अब इसको भी आगे पीछे किया हुआ है तो देख लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही आंसर लिखा हुआ है, माइनस शुरू में लगा हुआ है बस, ठीक है ना, माइनस उसने लगा दिया है यहाँ पर, लग सकता है इशू कोई नहीं है, और इसी तरह से जो है ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आई होप के स्टूडेंट आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो समझ आ गया होगा, और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को है जो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा, आपके साथ भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए।